अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ व्हाइट सॉस मैगी बनाना। तो इसके लिए हमने लिए हैं 6, मेरे पास मैगी की मैगी हैं, और एक मैंने ये मैगी की वो ली है क्यूब्स, चिकन क्यूब्स की वो ली है, 2 क्यूब्स हैं इसमें चिकन क्यूब्स, बाकी 2 अंडे हैं हमारे पास, और मेरे पास ये चिकन पॉपकॉर्न है। ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, आपने डालने डालने नहीं। 1 कप मैंने चिकन पॉपकॉर्न्स के लिए हैं, और जी सॉल्ट है हमारे पास, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं सॉल्ट। और ये जी हमारा इसका पैकेट जो निकला था, पैकेट निकले हैं इसके, इसमें जो इसका मसाला होता है ये वो है मैगी का। बाकी ये मिक्स वेजिटेबल है मेरे पास, इसमें फलियाँ, मटर, गाजर, कॉर्न सब कुछ है इसमें, मिक्स वेजिटेबल है ये। 1 कप आपने लेनी है, 2 टेबल स्पून मेरे पास वाइट फ्लोर है, मैदा है ये लेना है आपने, और ब्लैक पेपर मैंने 1 टी स्पून ली है, ये भी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, नमक मिर्च ये कितना आपने लेना है। तो ये इस वजह से मैंने तो कम ही ली है, अब आप देख के डालिएगा। आगे अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने पानी बॉईल करने रख दिया था, अब इसमें उबाला आ रहा है, तो मैं इसमें ये सारे अपने मैगी डाल रही हूँ। 5 मिनट हमने इसको करना है कुक, इसके अंदर ज़्यादा नहीं करना है, 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। और फिर इसका पानी निकाल के इसको हम अलग रख लेंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो इसका 5 मिनट तक मैं बस इसको कवर करके ना 5 मिनट इसका वेट करते हैं, फिर जी देखें हो गई है। मैं इसका पानी ड्रेन आउट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे इसकी ग्रेवी बनाती हूँ। पहले मैं इसके अंदर अपना थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ अंडा फ्राई करने के लिए। अंडे को इस तरीके से मैंने ज़रा सा नमक और काली मिर्च, पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर मैंने इसके अंदर मिला के ऑमलेट बना लेते हैं। बस इसको हम निकाल लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं। अब मैंने अंडा निकाल लिया फ्राई करके, इसमें फिर 2-3 टेबल स्पून हम ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने के बाद मेरे पास जो चिकन, ये इसके चीज पॉपकॉर्न है मेरे पास चिकन की, ये डाल देते हैं इसमें, इनको फ्राई करेंगे। सिर्फ गार्निश के लिए कर रही हूँ मैं, ये आपकी मर्जी है। दो मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे बस, इसको करने के बाद इसको सिर्फ हम गार्निश के लिए कर रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आपने बीच में ऐड करना है तो इसमें और डाल सकते हैं। जैसे फ्राई हो जाते हैं मैं ये भी निकाल लेती हूँ। ये जी चिकन पॉपकॉर्न हमारे हैं, ये भी रेडी हो गए पॉपकॉर्न, अब हम इसको निकाल लेते हैं फिर दूसरे काम शुरू करते हैं। ये मैंने वो निकाल के, अब मेरे पास 1 टेबल स्पून बटर ले लें आप भर के, 1 चमचा बटर का ले लें। इसमें ये मैदा है हमारे पास, वाइट सॉस बनाने के लिए इसमें ये मैदा डालें, इसको ज़रा सा भूनेंगे बटर में अपने। कलर भी तो चेंज होगा, फिर हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते रहेंगे। तो इसमें देखिएगा कि लग ना जाए, और बस गोल्डन कलर आना चाहिए आपके सॉस का, वाइट सॉस का। इसके अंदर मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ, सॉल्ट डाल रही हूँ, और मेरे पास ये चिकन क्यूब्स हैं 2, ये डाल रही हूँ।
अब मैं इसमें पानी मिक्स कर रही हूँ। तो 2-3 मिनट ऐसे ही पकाएं और इसके लम्स भी इसमें इसके अंदर ना हो, अगर लम्स भी होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छी तरीके से इसको बीट कर लें और ये जो आपने चिकन क्यूब डाला है इसको भी अच्छी तरह बीट करें, वरना ये होता है कि ये अगर कहीं पे भी ज़रा सा ज़्यादा रह जाएगा तो इसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है तो सॉल्टी टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको फील होगा सॉल्ट। इस वजह से मिक्सअप जो है इसको अच्छी तरीके से करें। मैं आपको दूध दिखाना भूल गई थी, इसमें आप 1 गिलास मिल्क डाल दें, 1 गिलास मिल्क। डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। नमक आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लेती हूँ, मुझे कम लगता है तो मैं और ऐड कर देती हूँ बाद में, या आप उसी टाइम भी चेक कर लें तो सही है। अब इसके अंदर हम अपनी ये मेरे पास जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये डालते हैं। मैगी ऐसे हैं कि बच्चों को आप डिफरेंट स्टाइल से बना के खिलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चे शौक से भी खा लेते हैं। वैसे तो सब्ज़ी खाते नहीं लेकिन मैगी में इसमें चाइनीज़ में खा लेते हैं। ये इसका जो मैगी का मसाला है ये वो है, अब मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें। सब्जी भी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जितनी चाहे ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा डाल लें। अब हम इसके अंदर हम अपने वो मिलाते हैं मैगी, मैगी डालती हूँ इसमें। मैगी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसका फ्लेम जो है वो मीडियम पे कर दें, हाई पे था ही मुस्तकिल की देर से, अब इसका मीडियम पे कर देते हैं चूल्हा। आँच उसकी हमने अब हल्की कर दी है मीडियम पे। तेज़ होगी तो आपकी सारी ग्रेवी जो है वो खुश्क हो जाएगी ना, तो हमने ज़रा से इसको खुश्क नहीं रखना है, इसको ज़रा सा ग्रेवी वाला रखना है। केचप वगैरह आप इसके ऊपर से बाद में डाल सकते हैं। घी मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी, बटर, बटर आपने मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसमें 1 टेबल बटर भी गया है जैसे वाइट सॉस के लिए, और मिल्क 1 गिलास मिल्क है। जी रेडी है हमारी ये, अब इसको गार्निश करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ गार्निश करके। जी देखिए मैंने डिश में इसको निकाल लिया है प्लेट में। अब आगे से हम इसके ऊपर ये चीज़ें कोरिएंडर ज़रा सा डालते हैं, हरा धनिया, मैं ये दिखाना भूल गई थी आपको, मैं हरा धनिया ले लें। हरा धनिया के बाद इसके ऊपर ऑमलेट डाल लें। हाथों को जी अच्छी तरह वॉश करके फिर कुकिंग वगैरह करें, ताकि इसमें हाथों का काम किचन में ज़ाहिर है बहुत होता है। पॉपकॉर्न्स लगा लें, चिकन पॉपकॉर्न बीच में ऐड करना चाहते हैं बीच में कर दें। लास्ट में जब आपकी पूरी रेसिपी रेडी हो जाए उसके बाद ऑमलेट और ये चीज़ पॉपकॉर्न जो है हम बाद में ऐड कर दें। ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको ये, और दुआ में जी याद रखें और इन्जॉय करें रेसिपी को। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।